कर दिया है द एंगल और मैं हूँ आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों राजस्थान की 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। अब इन उपचुनावों को देखते हुए सभी सियासी जो पार्टियां हैं वो अपना गणित लगाने में लगी हैं, लेकिन अगर पिछले घटनाक्रम को और थोड़े से बैक में जाके देखें तो नज़र आएगा कि राजस्थान में जो इन 4 सीटों पर उपचुनाव होना है वहां पर कांग्रेस और बीजेपी के अलावा भी जो अन्य पार्टी हैं वो सियासी गणित पर प्रभाव डाल सकती हैं। क्या है पूरा मामला देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। राजसमंद, सहाड़ा, वल्लभ नगर और सुजानगढ़ के क्षेत्रों के उपचुनाव में कांग्रेस बीजेपी के अलावा थर्ड फोर्स की क्या गणित रहने वाली है, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहने वाली हैं। जानकारी के मुताबिक बहुजन समाज पार्टी, आरएलपी, जनता सेना और आम आदमी पार्टी उपचुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने की रणनीति बना रही है। बसपा जहां अपने 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय से तिलमिलाई हुई है, वहीं आरएलपी ने भी कृषि कानूनों के विरोध में बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ दिया है। वहीं बेरोजगार संघ भी ऐलान कर चुका है कि वो चारों जगह अपने उम्मीदवार उतारेगा। अब इनकी जीत होती है या हार ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये सियासी गणित जरूर बिगाड़ सकते हैं और वोट शेयरिंग में इसका असर देखने को जरूर मिलेगा। चलिए अब आपको बताते हैं किस तरह ये क्षेत्रीय पार्टी उपचुनाव के लिए तैयारी में है। जाट बहुल सीटों पर फोकस, सुजानगढ़ और सहाड़ा सीट पर विशेष ध्यान। इन सीटों पर बीजेपी कांग्रेस का गणित बिगाड़ने की कोशिश कर सकती है आरएलपी। हनुमान बेनीवाल अंतिम समय में खेलेंगे अपना दांव। चारों सीटों पर दलित वर्ग को साधने की कोशिश, 24 फरवरी को दिल्ली में बुलाई है बैठक। बीएसपी सुप्रीमो मायावती करेंगी स्टेट यूनिट से बात। राजसमंद, सुजानगढ़, वल्लभ नगर, सहाड़ा चारों सीटों पर बीएसपी की नजर। बीजेपी से बागी रणधीर सिंह भिंडर हैं जनता सेना के संस्थापक। भिंडर 2013 में अपने दम पर जीत चुके हैं चुनाव। जनता पार्टी ने हाल के निकाय चुनाव में जीत की दर्ज। बीजेपी में लौटने के लिए पहले से ही इनकार कर चुके हैं भिंडर। वल्लभ नगर में जनता सेना सर्वाधिक मजबूत पार्टी, बीजेपी कांग्रेस को चुनौती देने की रखती है योग्यता। तो इस तरह बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही बड़ी पार्टियों को अब ध्यान रखना होगा कि जो वर्ग विशेष से समर्थन प्राप्त ये कुछ पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनसे भी निपटने के लिए रणनीति तैयार की जाए, क्योंकि तभी इसका असर 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा और दोनों पार्टियां खुद को मजबूत कर पाएंगी। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।